फसाया जी, छोरियां रोनती आवे हंसती जावे, बहुत फैसला कराया वाने, बहुत अच्छी तरिया करा रही। बिल्कुल सही है जी, उदास नहीं देखते वो, काम करते हैं। इतना घर बसाया है बेटियों का, आप किसी से पूछ सकते हैं। बहुत जोर जोश के साथ बतन जितावांगा, छित्रिया अच्छा बोटा हूँ, बढ़िया तरिया। हाँ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। भरतलाल बहन वाल को बहुत अच्छा माहौल है। अब की बार भारी बहुमत से भरत सिंह बेनीवाल जी की जीत दिखाई दे रही है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं आप ब्रासरी गांव की देख रहे हैं, एलनाबाद विधानसभा की, यहां पर अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनकी वाइफ जो वोटिंग अपील करने के लिए अपने पति के लिए यहां पर पहुंची हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। और इस तरफ की तस्वीरें अगर मैं दिखाना चाहूँ तो स्वागत करते हुए जो यहाँ ब्रासरी गाँव की महिलाएँ दिखाई दे रही हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से गांव की महिलाओं ने जो राम मूर्ति देवी जो की भरत सिंह बेनीवाल की वाइफ हैं, कांग्रेस की सीट पर एलनाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाओं ने कितना अच्छा स्वागत किया है और इसी के साथ ये लगातार जो अपने पति के लिए वोटिंग अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कहना है इनका। इस वक्त जो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी सारी महिलाएं जो मेरे आसपास बैठी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ये महिलाएं ब्रासरी गांव की हैं और कुछ यहाँ पर वोटिंग अपील करने के लिए आई हैं। चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बात करें तो ब्रासरी गांव, ये जो एलनाबाद विधानसभा के अंदर आता है, यहाँ पर जो एक बहुत ही अनोखी तस्वीर, पहले भी आपने देखा है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी बहू हैं, उनकी बहू को तो आपने लगातार तस्वीरों में देखा ही है। पहले वो टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे और अभी जो वो साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए वोटिंग अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मेरे साथ यहाँ बैठे हैं भरत सिंह बेनीवाल जी की जो धर्म पत्नी है, और अगर एक पत्नी अपने पति के साथ जब खड़ी होती है या अपने पति के लिए जब खड़ी होती है तो वो कुछ ना कुछ करके ही मानती है। ऐसे में इनका क्या कहना है आइए जानते हैं जी। स्वागत जी आपका। राम राम जी। स्वागत सारंगो बहन भैयांगो सबको। हाँ। और अगर इलेक्शन की बात करें आपा तो अभी थाने के लागे क्योंकि माहौल पूरा गरमाए हुए है। बहुत अच्छा है माहौल, सारा ही गांव में बहुत बढ़िया है। हाँ। सारा ही कह भी अब का अच्छा वोटा में जीतेगा। और अगर बात करा तो एक बात सामने आई कि भरत सिंह बेनीवाल है बहुत धाकड़ आदमी है, भी मतलब क्यों डरे कोनी, चाहे सामने कोई हो कितना ही बड़ो हो। अब बात सही है कि बात सही है जी, सारे एरिया नहीं पता है बात को, डरना रहता है ही कोनी। हाँ। और अगर एक बात करें भी, ये बात भी आती है कि बहन बहू बेटी किसी की भी हो, चाहे वो उनकी पार्टी से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो या ना हो, वो हर एक के लिए खड़े रहते हैं, चाहे किसी बेटी के हक की बात हो या उसके परिवार बसाने की बात हो। ये बात हमने जनता के बीच में भी सुनी है। तो ऐसे घर बसाया जी, छोरियां रोनती आवे रास्ते जावे, बहुत फैसला कराए वाने, बहुत अच्छी तरिया करा रही। हाँ। परिवार में कैसा उनका रवैया है? बहुत अच्छा है, सारे भाई भतीजा सारे साथ में चले, सारे साथ में चले। हाँ। जी। हाँ। और आप भी जो वोटिंग अपील उनके लिए कर रहे हैं तो जनता कैसे रिस्पॉन्स कर रही है? बहुत अच्छी चाल ला रही है दुनिया, सारा एरिया अपने करनी है। हाँ। और अगर बात करें तो आपको क्या लगता है इस बार? अच्छी बात लगे भी, जीत है बहुत भारी वोटा, बहुत भारी वोटा। हाँ। तो और अगर रुझान की मैं बात करूं तो रुझान कितना का दिख रहा है लोगों का? अब जो सारे लोग हम भी, मैं तो कांग्रेस नहीं जीता हुआ। हाँ। लोग दल कुछ ही कौन करिया ना, मन कोई साथ दिया है ना कोई और। हाँ। और इसके साथ ही मैंने एक कल तस्वीर देखी, हम वहाँ पर कवरेज करने के लिए भी गए हुए थे कि वो लोगों के सामने कुछ थोड़ा सा भावुक हो गए थे, झोली फैलाकर जो कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार मुझे जिता दो, मैंने जो मेहनत की है उसका फल मुझे दे दो। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जिताने माहौल है, जीतन भी करना रही, अभी मेरे तो आखिरी चुनाव है, मन जिताओ तो मैं एरिया का काम करूँ ना। आप जो ये डोर टू डोर जाकर जितना भी आपसे हो पा रहा है, आप लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं के संपर्क में आ रही हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे?
यही अभी सारी बहना मेरे साथ ही है, यूं कह भी जितावांगे भरत सिंह नहीं कर अच्छा वोटा जितावा। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भी यही कहेंगे भी हमारे साथ रहो, जिताओ, हमारी मदद करो, मैं थारा काम कराऊंगा। और ऐसे में मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो भरत सिंह बेनीवाल की जो सिस्टर दिखाई दे रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। जी कितना रुझान देखने में सामने आ रहा है? बहुत बढ़िया आन लग रहा है जी, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की तरफ चल रहा है जी। हाँ जी, तो क्या लगता है पहले तो आप जैसे उनके बड़ी बहन है या छोटे? छोटे, छोटी बहन है। तो एक बड़े भाई होने के नाते उनका कैसा रवैया है? बहुत बढ़िया रवैया है, बहन भैया हमारा आपसे बहुत प्यार है, एक दूसरे को पूछ के ही मैं काम करा जी, कोई काम हो बड़े भाई ने पूछ के काम करा मैं। बहुत आदरमान बहना को भी बहुत आदरमान है, भाई भतीजा मारो एकजुट परिवार है सारो जी। हाँ जी, एक दूसरे ने पूछ के काम करा, और जो एरिया को काम की रही भरत बहुत काम करे, अब तो चार योजना का माँ तो अभय सिंह जीते है, तो बन तो की काम करियो ही को नहीं, दुनिया सारी तंग हार चुकी है। तो आप भरत सिंह कह भी मैंने एक बार जीताओ, मेरे लास्ट सुनाओ है, मैं एरिया को सुधार करूँगा, काम करूँगा। कल वो थोड़े से भावुक होते दिखाई दिए थे, तो उस बारे में आप क्या? नहीं भावुक तो देखो इतनी सारी जनता ही आपकी मेयर की और वन देख के भावुक हुआ, अभी मैं मेरा लास्ट सुनाओ है, एक बारी मैंने जिताओ तो मैं काम करूँगा, सारो एरिया जो पिछड़े पड़ी है। हाँ। भी उसकी वजह ये कह सकते हैं भी जो जनता का इतना भारी जो प्यार मिला सम्मान मिला उस वजह से था? ऐसे बहुत प्यार मिला है जी उसके लिए, तो वो थोड़ा भावुक तो ऐसे हुआ था ना, अपना इतना दिखी जनता पब्लिक और उसको देखे वो भावुक हो गए कि भी मेरे को जिताओ मैं काम करूँ, जितनी जनता बैठी वो सारी बिछड़ी दिखी भी इनका काम नहीं हुआ है, 20 सालों से तो कोई काम हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने यही कहा भी मेरे को जिताओ मैं काम करूँ मेरे अपनों को सबका। हाँ जी, भी उनके बहन हैं और साथ ही बहन बेटियों की बात करूं तो वो खुद भी कहते हैं और जनता से भी जब भी मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि भरत सिंह ऐसे बंदे हैं जो किसी भी बेटी बहू को उदास नहीं देख सकते, ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल सही है जी, उदास नहीं देखते, वो काम करते हैं, इतना घर बसाया है बेटियों का, आप किसी से पूछ सकते हैं, तो जो अगर किसी ने रात नहीं कह दिया रात को कि मेरा ये है, तो वो वहाँ उनका जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और उनकी पूरी परवाही करता है और उनका घर बसाता है। हाँ जी बिल्कुल, बहन बेटियों की बात मैंने पीछे भी की, धर्म पत्नी से भी की जो भरत सिंह बेनीवाल के हैं, उनकी सिस्टर से भी की, तो अगर यहाँ बेटियों की बात कर ले तो उनकी जो भरत सिंह बेनीवाल की भतीजा बहू मेरे साथ है, इनका कितना रुझान है या फिर ये क्या सोचते हैं उनके लिए? जी नमस्कार। नमस्कार, आप डोर टू डोर जा रही हैं, जितना को हो पा रहा है आप लोगों से मुलाकात कर रही हैं, तो ऐसे में कितना समर्थन मिल रहा है? इस बार बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, जिस भी गांव में जा रही हैं माहौल बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा है जी। तो क्या लगता है कि जो मतलब लड़कियों की सोच, आपको तो पता ही होगा जैसे लोगों से मिलते हैं, तो क्या बदलाव आ रहा है? हाँ, इस बार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बदलाव आ रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, तो अब इस बार लोग समझने लग रहे हैं कि भी क्या करना है क्या नहीं करना है। बहू से बात हो गई, अब थोड़ा सा भांजी से भी बात कर लेते हैं, बेटी हैं उनके, तो हाँ जी पहले तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, अगर मैं बात करूं तो आपके मामा जी का स्वभाव कैसा है? बहुत ही अच्छा, मिलनसार, सबकी बात सुनने वाले, अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, इनमें ये नहीं है कि घमंड नहीं है कि मैं इससे बात नहीं करूं उससे नहीं करूं, नहीं, वो जैसे आम जनता है जैसे जाएगी उनसे अच्छे से बात करेंगे। तो आगे इलेक्शन के लिए आपको कितना टाइम हो गया उनके लिए वोटिंग? कम से कम 2 वीक तो हो गए। 2 वीक हो गए। हाँ हाँ, तो जब लोगों से मिलने जाते हैं तो उनके चेहरे से भी पता लग ही जाता होगा कि लोग क्या कहना चाहते हैं? चेहरे से ही पता लग रहा है कि लोग जा रहे हैं भाग भाग के पास आ रहे हैं कि हम इस बार भरत सिंह बेनीवाल को ही जिता के भेजेंगे, क्योंकि बहुत 40 साल हो गए उनको इनके सेवा करने में, तो लोगों को भी समझ आ चुका है कि भरत सिंह बेनीवाल ही हमारे लिए अच्छे कैंडिडेट है। ये पोता बहू जी हैं हमारे साथ भरत सिंह बेनीवाल के, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार भारी बहुमत से भरत सिंह बेनीवाल जी की जीत दिखाई दे रही है। जीत कैसे दिखाई दे रही है? जैसे लोग जा रहे हैं तो उत्साह से स्वागत कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं सभी अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि वो अब की बार भरत सिंह बेनीवाल जी को भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पहले जो टिकट की आड़ में संतोष बेनीवाल जी भी लगे हुए थे, तो उन अब वो जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? ये तो एक ही परिवार है, जैसे एक साथ ही है,
तो एक साथ मिलकर जीत लेकर आएंगे। भी ऐसा तो नहीं है कि वो साथ में चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, तो आपने भी सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भी आप भी वोट मांगने के लिए निकल पड़े? हाँ जी। तो मतलब जोश पूरा सारे परिवार में है? हाँ जी, पूरे परिवार में भारी जोश है, पूरे परिवार में, पूरी जनता में भारी जोश है। सभी बरसिंह बनीवाल जी को भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। तो परिवार में उनका रवैया कैसा है अपनी बहू बेटी? परिवार में उनका रवैया बहुत अच्छा है, जैसे वो अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानते हैं। सारी जनता के लिए, परिवार के लिए उनका रवैया बहुत अच्छा है। तो आगे क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि वो उनको अच्छे से जैसे वोट दे के जिताएँ, ताकि वो उनका सभी का काम करवा सके। ठीक है, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार आगे आनी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ जी। बर्ताव बड़े जोश के साथ बोल रहे हैं, कैसे? बहुत जोर जोश के साथ, बत्तन जितावांगा अच्छी तरिया, अच्छा वोटा हूँ। अच्छा। बढ़िया तरिया, हाँ बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा। बहुत बढ़िया माहौल है, बर्तलाल बेन वाल को बहुत अच्छा माहौल है। बढ़िया वोटा हूँ, जितावांगा खास। भाई कितनी तो क्या गिनती छोड़ रहा क्या अपने, मारो तो हिसाब। बढ़िया वोटा हूँ जिता हुआ कांग्रेस, यहाँ बर्तलाल बेन वाल, बस बढ़िया वोटा हूँ जितावांगा। जी बर्त सिंह को जीता हूँ। जीतना चाहिए? हाँ। क्यों जीतना चाहिए? जीत का कारण? जीत का कारण जी अच्छा काम करेगा, करवाया पीछे का? हाँ, काम देर ने करवाया आगे सरकारी से। तो अब तो नहीं थे वो सरकार में? अब नहीं तो हाँ मार तो करवा दिए जी बिना सरकार के। हाँ, तो आपको लगता है अभी हाँ जीत जाएगी? हाँ जीत जाएगी जी। हाँ हैं जिताओगा? बर्तलाल ने और के दूसरे जितावांगा। हाँ, भरत सिंह ने जितावांगा और दूसरे थोड़ा ही जितावांगा। अच्छा, और क्या बजा फिरा? अच्छा, तो दूसरा ने क्यों जिताओ? हैं, दूसरे ने मारो काम करे उसे कहीं जितावांगा। कौन करे तारो काम? भरत सिंह करेगा। अच्छा, पहला करे की? पहला तो भी कोई सरकार ही जिद मीन टाइम में तो करियो, सरकार नहीं वजह कौन रण दे है। थाने उम्मीद है अभी जब भरत सिंह जीतेगा तो मेरा काम होगा? हाँ उम्मीद तो है ही, मैं तो भरत सिंह ने जितावांगा। मैं न्यू को बल्ले बल्ले मेरे ताली बजती था। अच्छा, मतलब थे तो जिता गई रहो? हाँ जिता गई रहूंगा बेटा, मेरे तो काम कर रहा फुल। अच्छा, तेरा काम करवाया? अच्छा, तो बाकी कोई और नेता पसंद को नहीं? और पसंद को नहीं, तो जाट राम ही पसंद है मेरे तो। अच्छा, तो फिर डोकी हुए जाट कह को मैंने कमाई कर रहा है। जाट तो फिर दूसरी तरफ भी है? बिन जाट सारा काम कर दिए। हाँ, आप वो काम कर दे ठीक होने आने देती हूँ। तो थारे हिसाब हूँ भरत सिंह? हाँ जीतना सही है, मैं तो ताली बता देती। अच्छा, सरो है के लगे आपकी बात? बढ़िया जीत लगे। थारी स्पोर्ट किंग सग है? भरत सिंह। भरत सिंह सग? हाँ। बाकी कोई किसी में दम है? कौन दम ये ही है, तो है तो आप दिया आप नहीं। कोई टक्कर में कौन लगे? ना कौन लगे। अच्छा, अच्छा। एक तरफ ही दिखा? एक तरफ। अच्छा, तो मतलब थे तो सारा जना जिता के रहो? जिता के रहूंगा मैं तो। हां जी, जिता के काकेर ससुर। हां जी, काकेर ससुर लगे। अच्छा, तो टक्कर किंगी किंगी टक्कर मार सागर बिल्लू की है? है के टक्कर? हाँ, और भाई जीता भाई भरत सिंह ने जीता सका, दुनिया उड़ लड़ रही है भरत सिंह का। नहीं भरत सिंह यहाँ मन में अभी आपका जीत जाऊँ तो मैं मेरा लारा काम है करेडा है सफल हो जाए सारा, अभी और कर दूँ है आखिरी टिकट है सारा वो काम मेरा हो जाए। आपका जीत जाऊँ तो मन माली निकल जाए।